ऑलवेज फॉलोड बाय अ यू. यहाँ भी आप पाएंगे कि क्यू के बाद यू लगा है, यहाँ भी आप देखेंगे क्यू के बाद यू लगा है. क्विज, क्यू यू आई जेड, क्विज, वहाँ भी यू लगा है. सो एक फैक्ट है, क्यू इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ यू. सी के बाद ई हो, आई हो या फिर वाई हो, तब सी का साउंड स आएगा. ठीक है, उसके अलावा इसके बाद कुछ भी हो तो क आएगा. तो ई आई वाई याद कर लिया. जैसे सी ई एन टी, इसे हम सेंट बोलते हैं. सी आई टी वाई, सिटी. देखिए आई है यहाँ, यहाँ ई है. क्लियर. अब देखिए ये सी वाई सी एल ई, साइकिल. दोनों ही सी हैं लेकिन दोनों के साउंड्स अलग हैं. इसके बाद वाई है इसलिए ये स प्रोनाउंस हुआ, साई. इसके बाद एल है इसलिए क प्रोनाउंस हुआ, क, साइकिल. उसी तरीके से सर्कस. सी के बाद आई है तो स, सी के बाद यू है तो क, सर्कस. यहाँ एसिड, सी के बाद आई है इसलिए स, एसिड. क्लियर. थैंक्स फॉर क्लिकिंग गाइज. माई नेम इज कंचन एंड आई वेलकम यू टू द बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. गाइज, आपके मन में जो सबसे पहला सवाल चल रहा है वो मुझे पता है. आपका सवाल है व्हाई दिस कोर्स, यही कोर्स क्यों? तो गाइज, सबसे पहले मैं आपके इसी सवाल का जवाब देना चाहूँगी, आपको इस कोर्स की खासियत बताना चाहूँगी. सबसे पहली बात तो ये है, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो लेवल. अगर आप एक बिगिनर हैं जिसे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, या फिर इंग्लिश को आप पढ़ते हैं समझ में तो आता है लेकिन कहीं कहीं अटक जाते हैं, या फिर हो सकता है कि आप ये कह रहे हों कि मुझे इंग्लिश समझ में आती है लेकिन मैं बोल नहीं पाता, तो आप सभी के लिए ये कोर्स इक्वली इंपॉर्टेंट होगा. आप ये समझ सकते हैं जिसे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, अगर वो इस कोर्स से सीख सकता है तो जिसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो तो बहुत ही जल्दी इस कोर्स से सीख जाएगा. तो गाइज, ये जो कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है वो इसी तरीके से बनाया है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हुए अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को पकड़ते हुए आगे बढ़ें. मतलब कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, मतलब जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तब आप प्रॉपर सेंटेंसेस बोल पाएंगे. मतलब कि उस समय तक आप अच्छे तरीके से कॉन्वर्सेशन करना सीख चुके होंगे. कॉन्वर्सेशन को शुरू कैसे करें, एंड कैसे करें, पास्ट की बातें मतलब भूतकाल की बातें कैसे करें, प्रेजेंट की बातें कैसे करें और फ्यूचर यानी भविष्य की बातें कैसे करें, तो तीन ही काल में तो बातें होती हैं, उसके अलावा और कौन सा समय होता है. तीनों कालों के सेंटेंसेस को आप बोल पाएंगे. इस कोर्स के ज़रिए आप पढ़ना भी सीखेंगे इंग्लिश और बोलना भी सीखेंगे. तो ये कोर्स एक तरीके से पैकेज है. शुरुआत कर रहे हैं आप एक बिगिनर की तरह, लेकिन आप पहुंच जाएंगे उस लेवल पे जहां से आप इंटरमीडिएट वाला कोर्स ले पाएंगे. तो इस कोर्स के बाद इंटरमीडिएट कोर्स आएगा, आप उसे भी ज्वाइन करेंगे, वो सीखेंगे, फिर एडवांस लेवल का कोर्स आएगा और एडवांस्ड इंग्लिश भी आप सीखेंगे. तो कुल मिला के बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक की जो जर्नी है वो आप इस कोर्स के ज़रिए तय करेंगे. तो गाइज, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस. मैं आपको जब लेक्चर्स दे रही हूँ, एक एक करके आपको वीडियोस मिलते जाएंगे, आप उसके साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर से करते जाइएगा. जो एक वीडियो में सीखिए उसकी प्रैक्टिस कीजिए. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप सीख पाएंगे. अब आपके कुछ सवाल जो होंगे उनके जवाब मैं आपको देना चाहूँगी, और मुझे पता है कि कुछ सवाल आपके इनसे रिलेटेड ही होंगे. विल आई गेट लाइव क्लासेस और द रिकॉर्डेड वंस? इस कोर्स में मुझे लाइव क्लासेस मिलेंगी या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस? तो गाइज, जो कोर्स के वीडियोस आएंगी वो सभी रिकॉर्डेड वीडियोस आएंगी. जैसे कि इसे आप अभी देख रहे हैं, ये भी एक रिकॉर्डेड वीडियो है. लेकिन उसके अलावा मैं महीने में लगभग दो बार लाइव क्लासेस भी आपको दूंगी. उन लाइव क्लासेस में जब मैं आऊंगी आपके सामने तो वो डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे. मतलब आप अपने डाउट्स मुझसे पूछेंगे, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई आप वो मुझसे पूछेंगे और मैं उन सबका जवाब दूंगी. तो इस तरीके से एक तरीके से आप कॉमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकेंगे और मैं आपको जवाब दे पाऊँगी. तो ये बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए कि आप डायरेक्ट मुझसे बात कर पाएंगे. दूसरा, विल आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बातें कर पा रहे होंगे, आपकी वोकैबुलरी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी होगी, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोले जाने वाले सभी वर्ड्स सीख चुके होंगे. उसके अलावा स्पोकन इंग्लिश के लिए जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्या चीज़ करें, हर एक छोटी से छोटी चीज़ें,
कि जिससे आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सीख सकें। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगी, ठीक है। हम हर उस चीज़ को कवर करने वाले हैं जो चीज़ ज़रूरी है स्पोकन इंग्लिश के लिए। वोकैबुलरी तो ठीक है, प्रोनंसिएशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना है। क्या सिर्फ यही सपना है या अच्छी इंग्लिश बोलना है? अगर अच्छी इंग्लिश बोलना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रोनंसिएशन पर ध्यान दें। प्रोनंसिएशन मतलब उच्चारण, शब्दों को आप कैसे बोल रहे हैं। अगर आप आई एस इज, आप जानते हैं ना आई एस को क्या बोलते हैं हम, ये जो आई एस है इसे अगर आप इज बोल देते हैं तो वो गलत प्रोनंसिएशन है। इससे पता चल जाता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती। आपको इसे बोलना है इज, ई ज, ये वाला ज जिसमें एक बिंदी होती है जिसे हम ज प्रोनाउंस करते हैं, इज, इसे आप इज नहीं बोलेंगे। तो इसी तरीके से प्रोनंसिएशन को अगर आपने सही कर लिया, सभी प्रोनंसिएशंस को, जितने भी आपके वर्ड्स हैं, जो भी आप वर्ड्स बोलते हैं, सबको सही तरीके से बोला, तो आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, परफेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे। तो मेरा जो लक्ष्य है ना, मेरा एम एक है कि मैं आपको परफेक्ट इंग्लिश सिखा पाऊँ, आप अच्छी इंग्लिश बोलें। सिर्फ बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं बोलती हूँ हमेशा कि सिर्फ बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है इंग्लिश में, अच्छी इंग्लिश और परफेक्ट इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप बोलें तो सामने वाले पर इम्प्रेशन भी अच्छा पड़े, ठीक है। तो ये आपको मिल गया जवाब कि आप इस कोर्स को ख़त्म करते करते अच्छी इंग्लिश बोल रहे होंगे। अब आपको मैं इस बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे वन में एंटर कराती हूँ। अब आप डे वन में वो चीज़ सीखने वाले हैं जो मैंने कहा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन को डिटेल में समझेंगे, एक एक लेटर की प्रोनंसिएशन सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले किसी लैंग्वेज को समझने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है वो समझिए। अगर आपसे कोई ये पूछे कि स्पोकन इंग्लिश सीखने का क्या मतलब है, मतलब आप कब समझेंगे कि आपने स्पोकन इंग्लिश सीख ली, तो गाइज़ मैं आपको उसका जवाब देती हूँ कि अगर, देखिए ये है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, अगर किसी लैंग्वेज में, किसी भी सिचुएशन में आप सेंटेंसेस बना पाएँ, किसी भी सिचुएशन का, चाहे पास्ट की बात करनी हो, प्रेजेंट की करनी हो, फ्यूचर की करनी हो, ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो जिसमें आप एक शर्त रखते हैं फिर उसका रिजल्ट कुछ आता है, मतलब हर एक सिचुएशन में अगर आप सेंटेंसेस बना पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो लैंग्वेज आपको आती है। जैसे आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज जो है उसमें आप किसी भी सिचुएशन में बोल लेते हैं, आपको इतने वर्ड्स आते हैं जिससे कि आप किसी भी सिचुएशन में सेंटेंसेस बना पाते हैं, और आपको सेंटेंस फॉर्मेशन भी पता है कि किसके बाद क्या बोलना है। जैसे मैं लगातार हिंदी में बोल रही हूँ तो मैं हिंदी में फ्लुएंट हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे स्पोकन हिंदी अच्छे से आती है, तो जी हाँ बिल्कुल आती है, क्योंकि मैं किसी भी सिचुएशन में हिंदी में बोल सकती हूँ। तो बस यही चीज़ आपको इंग्लिश के साथ करनी है। अगर आप इंग्लिश में अच्छे तरीके से हर एक सिचुएशन में सेंटेंसेस बना पा रहे हैं, दैट मीन्स आपको इंग्लिश बोलना आता है, वो भी अच्छे से बोलना आता है। तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको ये सीखना होगा, मतलब वर्ड्स को सीखना होगा। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। और वर्ड्स को सीखने के लिए आपको लेटर्स को सीखना होगा। किसी भी लैंग्वेज की शुरुआत होती है लेटर्स से। लेटर्स जैसे हिंदी में हम बोलते हैं अक्षर, वही इंग्लिश में कहलाते हैं लेटर्स। हमारे अक्षर हैं हिंदी के क ख ग घ, और इंग्लिश के जो लेटर्स हैं वो हैं ए बी सी डी। तो शुरुआत तो यहीं से होती है। पहले आप लेटर्स को सीखते हैं, उन्हें कैसे बोलना है ये सीखते हैं, तब आप वर्ड्स बनाना सीखते हैं, है ना। बचपन में आपने सीखा होगा क म र, कमर। तो इसी तरीके से आप इंग्लिश में सीखते हैं कि अगर आप एक लेटर लिखा आपने, फिर दूसरा लेटर लिखा, फिर तीसरा लिखा, तो तीनों को जोड़ के क्या बोलेंगे, जैसे बी ए टी, बैट। तो लेटर्स को सीखा। लेटर्स का जो साउंड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में एक मात्रा को एक ही जैसे बोला जाता है। जैसे मैं बोलूं किसी, किसी में बोलने में क में छोटी की मात्रा लगी है, स में बड़ी की मात्रा लगी है, राइट। इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, सारी चीज़ें मैं आपको करके बताती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। यहाँ छोटी की मात्रा है, यहाँ बड़ी की मात्रा है। अब ये छोटी की मात्रा अगर ख में लग जाए, ठीक है, तो भी हम इसे इसी तरीके से प्रोनाउंस करेंगे ना, खी खी। और मान लीजिए यहाँ पे स ही लिख देते हैं, चलिए एक नया वर्ड बना लेते हैं, खिसी।
तो मात्राएं एग्जैक्टली उसी तरीके से प्रोनाउंस की जा रही हैं, वही साउंड आ रहा है जो यहाँ आया। तो इसमें भी दोनों में सेम है, इसलिए हिंदी शायद आपको आसान लगती है। और इंग्लिश में अगर हम आए तो हमने बोला बी ए टी, यही बोला ना मैंने, इसे हम बोलते हैं बैट। लेकिन अगर मैं अब बोलूं बी ए टी ई, तो क्या इसे हम बैटे पढ़ेंगे? जी नहीं, इसे हम पढ़ेंगे बेट, बी ए टी ई बेट। तो हो गया ना फर्क, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? इंग्लिश में यही प्रॉब्लम आती है, हमारे हिंदी की जो मात्राएं हैं वो कहीं भी लगे एक ही जैसा साउंड देंगी, किसी भी अक्षर के साथ लग जाएं। अगर मैं यहाँ पे र लिख दूँ खिसीर, तो भी इसका साउंड वही होगा। यहाँ पे र लिख दूँ किसीर, तो भी इसका साउंड वही होगा। लेकिन यहाँ जब मैंने ई लगा दिया तो इसका साउंड जो है ना यहाँ बदल गया, यहाँ ए था यहाँ ए हो गया, ए से ए बन गया, फर्क आ गया। इसलिए इन लेटर्स के प्रोनंसिएशन को समझना ज़रूरी है। जब आप इस पर पकड़ हासिल कर लेंगे तो आप ये अच्छे से बोल पाएंगे, मतलब वर्ड्स। और जब वर्ड्स को अच्छे से बोलना आप सीख लेंगे तो जब आप इन्हें सेंटेंसेस में बोलेंगे तो वो इम्प्रेसिव लगेगा। और वर्ड्स को जोड़कर जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो किस तरीके से हम फॉर्म करेंगे उन्हें, कैसे किसके बाद क्या लगाएंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको इसमें सिखाऊंगी, तब आप सेंटेंसेस बना पाएंगे। जब आप सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे कि किस सिचुएशन में किस तरीके से सेंटेंसेस बोले जाते हैं, तो आप इस लैंग्वेज को पूरे तरीके से सीख जाएंगे। बस यही चीज़ आपको करनी है। तो आज की शुरुआत जो हम करेंगे वो लेटर्स से करेंगे। हमारी हिंदी में आप जानते हैं स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, और ये हिस्सा होता है वर्णमाला का, हम बोलते हैं वर्णमाला। तो एक ही वर्णमाला होती है, उसके अंदर अक्षर होते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में अल्फाबेट जो है ना, जिसे आप बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, देखिए अल्फाबेट, बहुत सारे लोग बोलते हैं इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, बट नो, अल्फाबेट किसी भी लैंग्वेज में एक होता है। तो एक अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, उसके अंदर लेटर्स होते हैं। तो इंग्लिश के अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स आप सभी जानते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। जी बोलें या जेड बोलें, दो प्रोनंसिएशंस हैं इसकी। तो ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स में 5 वाउल्स होते हैं। वाउल्स क्या हैं? ए ई आई ओ यू, हिंदी में बोलें तो स्वर, ठीक है? तो इंग्लिश में 5 ही स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। इन्हीं से हम वर्ड्स बनाते हैं, इन्हीं की वजह से हम अलग अलग तरीके के साउंड निकालते हैं, ठीक है? ये मात्राओं का काम करते हैं। जैसे हमारे अ से अह तक होते हैं, वैसे ए से ए ई आई ओ यू। इनके अलावा 26 में से ये 5 हटा दिया, जो बचते हैं वो 21 कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, मतलब व्यंजन, ठीक है? तो इनकी जो प्रोनंसिएशन है वो एक नहीं है, मैंने आपको दिखाई दिया कि बैट और बेट, ठीक है? तो इनकी प्रोनंसिएशन, मतलब इनकी अगर साउंड की बात करूँ, जब इन्हें हम वर्ड्स में यूज़ करेंगे दूसरे लेटर्स के साथ, तो इनके साउंड अलग अलग आते हैं। ऐसे आप इसे बोल रहे हैं ए, इसे ई, इसे आई, इसे ओ, इसे यू, तो ये इसकी प्रोनंसिएशन हो गई। लेकिन जब आप इन्हें दूसरे लेटर्स के साथ जोड़ेंगे तो इनके साउंड अलग अलग आएंगे। और किसी के 5 तरीके के साउंड आते हैं, किसी के 3 तरीके के साउंड आते हैं, तो बहुत सारे हैं। इन्हें बारीकी से समझना ज़रूरी है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। फिनेटिक्स जिसे कहते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से साइन होता है। जैसे ये उल्टा ई लिखा हुआ है, ये एक साइन है, एक ये साइन है, एक ये साइन है, तो ये फिनेटिक्स का पार्ट है। फिनेटिक्स मतलब ये एक स्टडी है, साउंड की स्टडी। अगर 26 लेटर्स हैं तो 40 टाइप्स के फिनेटिक्स साउंड्स होते हैं। तो गाइज ये जो है ये तरीका फॉरेन में चलता है, जैसे अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, उसमें अलग अलग तरीके से साउंड भी आते हैं। लेकिन मैं आपको देसी स्टाइल में बताऊंगी, क्योंकि आप इंडिया में रह के सीख रहे हैं, एक इंडियन टीचर से सीख रहे हैं, तो मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगी वो आपके लिए आसान होगा, ठीक है? इस चीज़ को आसान करते हैं। सबसे पहले साउंड्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स,
साउंड्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स को समझना है. लेटर्स क्यों बोल रही हूँ मैं, देखिएगा मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया बैट और बेट, उसी तरीके से देखिए ये हैं वाउल्स ए ई आई ओ यू. अब देखिए फैट एफ ए टी, तीन लेटर का जब वर्ड है और आप देख रहे हैं कि पहला कॉन्सोनेंट दूसरा बीच में एक वाउल है, इसे हम शॉर्ट साउंड देते हैं फैट, लेकिन जब लास्ट में ई आ गया तो खींच के बोलते हैं फेट. एम ए टी मैट, शॉर्ट साउंड मैट, लॉन्ग साउंड मेट. ठीक है, ई लास्ट में आ गया. अब ध्यान दें ई का साउंड कहते हैं ए होता है ना, तो यहाँ जब ये लास्ट में ई आते हैं तो ये साइलेंट होते हैं, इन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, इसे फैटे मैटे ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं मेट फेट, तो इसका साउंड यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर साइलेंट है. साइलेंट मतलब चुप है. तीसरा हैट, एच ए टी हैट, इसके साथ ई लगा दिया लास्ट में तो हो गया हेट. हेट मीन्स नफरत करना, यहाँ भी ये साइलेंट है. तो बस इसकी वजह से इसको प्रोनाउंस तो नहीं कर रहे, इसका साउंड भी नहीं निकाल रहे, बट इसकी ध्वनि बदल गई है, हम इसे खींच के बोल रहे हैं ए करके हेट. उसी तरीके से रैट रेट. तो इस तरीके से जब भी आपके सामने वर्ड आएगा ना तो आप इसका ध्यान रखेंगे और सही तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, इसे रेटे नहीं बोलना रेट. बैड बी ए डी बैड और बी ए डी ई बेड. ठीक, तो ज़रूरी नहीं है कि टी टी है डी आ गया. अब यहाँ देखिए हम आई का यूज़ करते हैं डब्ल्यू आई एन, यहाँ इसका साउंड है आई का साउंड है ई, विन डब्ल्यू आई एन विन, लेकिन जब लास्ट में ई लगा देंगे तो इसे इसका साउंड हो जाएगा आई, डब्ल्यू आई एन ई क्या हो जाएगा वाइन. ठीक है, वाइन इस तरीके से. तो यहाँ भी हम इसे वाइने या विने नहीं बोलेंगे, वाइन. बी आई टी बिट, बी आई टी अब क्या हो जाएगा बाइट, आई का साउंड आएगा ना यहाँ बाइट, ये इट ये आइट, बिट बाइट. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको दूंगी, आगे से आप जब भी इनको पढ़िएगा तो सही तरीके से पढ़िएगा. ठीक है, अगर अभी तक आपने कभी गलत तरीके से प्रोनाउंस किया हो तो. अब दो फैक्ट्स की बात कर लेते हैं. एवरी वर्ड हैज़ एटलीस्ट वन वाउल, एवरी वर्ड हैज़ एटलीस्ट वन वाउल, मतलब हर एक शब्द में कम एक स्वर आएगा ही आएगा, ए ई आई ओ यू में से एक आएगा ही आएगा किसी भी वर्ड में, बिना इसके कोई वर्ड नहीं हो सकता. अगर मैं सबसे छोटे वर्ड की बात करूं, ठीक है, तो क्या है ए, ए मीन्स एक. अगर इसे हम एक शब्द की तरह यूज़ करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक वाउल से बना है ए. ठीक है, इसके अलावा एक और है आई मीन्स मैं. ठीक है, अगर इस आई की बात करूं तो ये भी एक वर्ड है, एक लेटर का वर्ड है ये, और ये भी एक वाउल है. उसके अलावा मान लीजिए मैं बोलूँ जी, तो जी कोई वर्ड है क्या, इसका कोई मतलब निकला नहीं. तो सिर्फ कॉन्सोनेंट का वर्ड नहीं हो सकता, ये फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. अब इसी में मैं ओ लगा दूँ, एक वाउल लगा दूँ जी ओ, गो मीन्स जाना, ये एक वर्ड बन गया. तो आपने पाया कि किसी भी वर्ड में कम एक वाउल ज़रूर होगा. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं. दूसरा फैक्ट, ईच वाउल हैज़ मल्टीपल साउंड्स, मैंने आपको बताया हर एक वाउल के मल्टीपल मतलब कई सारे साउंड्स हैं. कोई भी वाउल सिर्फ एक साउंड नहीं निकालता, जब वो अलग अलग लेटर से जुड़ता है तो अलग अलग साउंड निकालता है, वो सब आप स्टडी करेंगे इसमें. तो सबसे पहले हम साउंड्स ऑफ लेटर्स को कवर करेंगे ताकि आपको सही तरीके से वर्ड्स को बोलना आए. उसके बाद मैं आपको कुछ सेट्स ऑफ लेटर्स दूंगी. सेट्स ऑफ लेटर्स का मतलब ये हो गया कि वो उसी तरीके से प्रोनाउंस होगा हर जगह. जैसे टी आई ओ एन, ये एक ऐसा सेट है लेटर्स का जिसे आप टी ऑन नहीं पढ़ेंगे, शन पढ़ेंगे. टी आई ओ एन को शन बोला जाता है. तो अगर ये वर्ड के बीच में आ जाए या फिर वर्ड के एंड में आ जाए, इसे शन ही बोलेंगे. जैसे ये देखिए ए सी टी आई ओ एन, ए सी को बोलेंगे एक, टी आई ओ एन शन एक्शन. ठीक है, यहाँ कॉशन, यहाँ अकोमोडेशन, यहाँ एडिशन. ठीक है, तो और सबको हमने प्रोनाउंस किया उनके साउंड, उसके बाद शन बोल दिया, टी ऑन नहीं बोलना. ये तो सब एंड में आए थे, यहाँ देखिए बीच में आया है.
तो इसे क्या बोलेंगे? नेशनल, नेशन अल, नेशनल। ठीक, तो बीच में आया तो भी यही प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन मैं ऐसे आपको कई सेट्स भी दूंगी और बहुत सारे मैं आपको प्रोनंसिएशंस भी बताने वाली हूँ, सबके अलग अलग साउंड बताने वाली हूँ। लेकिन एक बात कह दूँ कि 100% ये हर जगह लागू हो ये ज़रूरी नहीं कि आप कहें मैम आपने तो बोला था यहाँ ये गलत हो गया। 90% ही ये लागू होंगे, एक्सेप्शंस हर जगह हैं। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ भी देखिए, अगर एस के बाद टी आई ओ एन आता है, एस के बाद मतलब इससे पहले अगर एस आ जाए तो इसे शन नहीं चन प्रोनाउंस करेंगे। जैसे यहाँ सजेशन, इसे सजेशन पढ़ा जाता है, यहाँ एस है फिर टी आई ओ एन। इसी तरीके से ये कंजेशन, कंजेशन। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन भी आपने समझ लिया। आप कहीं टी आई ओ एन दिख जाए शन बोलिए, उससे पहले एस हो तो चन बोलिए। क्लियर, अब हम एक एक करके एक एक लेटर के साउंड को समझेंगे। जो वाउल्स हैं उन्हीं के साउंड्स ज़्यादा होंगे तो उन्हें थोड़ा ध्यान से समझिएगा और सब नॉर्मल हैं। ए है सबसे पहला। अब इसकी देखिए आप इतने साउंड्स हैं, 6 तरीके के साउंड्स हैं। सबसे पहला तो आ, दूसरा ए, आ साउंड सी ए आर कार, बी ए आर बार। ए, ए साउंड कब आता है? जैसे बी ए टी बैट, बी ए डी बैड, तो वहाँ पे ए का साउंड आता है। ओ का भी साउंड आता है स्पेशली डब्ल्यू के साथ, डब्ल्यू ए एन टी वॉन्ट, वॉन्ट। ठीक, ए का साउंड आप जानते हैं, इस ए को जब एक संख्या के लिए यूज करते हैं ए, तो ए भी प्रोनाउंस किया जाता है और अ भी प्रोनाउंस किया जाता है। स्पेशली अमेरिकन इंग्लिश में ए बोलते हैं और ब्रिटिश में अ बोलते हैं, तो दोनों ही सही हैं। फिर ए एक लॉन्ग साउंड में यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पे बेड, फेट, वैसे उसके अलावा मे, से, महीने का नाम एम ए वाई मे, यहाँ पे इसे थोड़ा खींच के बोलते हैं मे से। लेकिन इसी से में अगर एस लगा दें तो इसे बोलते हैं सेज, तब इसे जल्दी से बोलते, तब सेज नहीं बोलते, सेज। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आ भी साउंड होता है कार, ए होता है, ओ होता है, ए होता है, अ होता है। क्लियर, अब आते हैं बी पे। बी का साउंड ब है, बैट, बैग। सी का साउंड भी समझने वाली चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। यहाँ पे आपने ध्यान दिया हो तो आप पाएंगे कि सी को हम स भी प्रोनाउंस करते हैं, क भी प्रोनाउंस करते हैं, सी ए आर कार, सी ए पी कैप। ये आपने देखा, यहाँ हम इसे क प्रोनाउंस कर रहे हैं। और अगर आप ध्यान दें, अभी मैं इसके बारे में बताती हूँ, और अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे क और ख का मिक्स साउंड आता है, सी ए आर खार, खार। तो जब बहुत सारे लोग, अगर स्पेशली मैं किसी प्रॉपर एक्सेंट की बात करूं, फॉरेनर्स की बात करूं, नेटिव्स की बात करूं, जिनकी अपनी लैंग्वेज है, वो इसे प्रॉपर क नहीं बोलते, वो मिक्स साउंड यूज़ करते हैं, ख, सी ए आर कार। ठीक है, इस तरीके से, तो मिक्स साउंड भी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और ये बोल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं स, इसे कब समझें, क्योंकि ये सारी चीज़ें कैसे एज अ बिगिनर आपको कैसे समझ में आएगा, तो मैं आपको फैक्ट्स दे रही हूँ, इन चीज़ों को याद भी कर सकते हैं। अगर अगर इनके बाद ई या फिर आई या फिर वाई हो, मतलब सी के बाद ई हो, आई हो या फिर वाई हो, तब सी का साउंड स आएगा। ठीक है, उसके अलावा इसके बाद कुछ भी हो तो क आएगा। तो ई आई वाई याद कर लिया, जैसे सी ई एन टी, इसे हम सेंट बोलते हैं, सी आई टी वाई, सिटी। देखिए आई है यहाँ, यहाँ ई है। क्लियर, अब देखिए ये सी वाई सी एल ई, साइकिल। दोनों ही सी हैं लेकिन दोनों के साउंड्स अलग हैं। इसके बाद वाई है इसलिए ये स प्रोनाउंस हुआ, साई। इसके बाद एल है इसलिए क प्रोनाउंस हुआ, क, साइकिल। उसी तरीके से सर्कस, सी के बाद आई है तो स, सी के बाद यू है तो क, सर्कस। यहाँ एसिड, सी के बाद आई है इसलिए स, एसिड। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं डी पे। डी का साउंड होता है ड, जैसे डांस, डॉग। लेकिन जब आप नाम लिखते हैं ना, इंडियन नेम्स जो होते हैं, जब उन्हें आप लिखते हैं तो आप द के लिए डी का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे नाम में ड नहीं आता, द आता है।
वैसे इंग्लिश में द की अगर बात करूँ, द साउंड डी का नहीं होता, डी का साउंड ड होता है, और अगर द साउंड निकालना है तो आपको टी एच का यूज़ करना होता है द के लिए इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर हिंदी के नाम वगैरह लिख रहे हैं तो आप डी यूज़ करेंगे द के लिए। आगे बढ़ते हैं ई। ई भी एक वाउल है और इसकी भी कई सारे साउंड्स आएंगे। अब देखिए, सबसे पहला ए, बी ई डी, बेड, बेड शॉर्ट साउंड। अब आते हैं दूसरा अ, अ भी होता है ई का साउंड। कहाँ पर देखिए, एम ओ टी एच ई आर, ई आर जब भी किसी वर्ड में लगता है तो वो अर प्रोनाउंस किया जाता है, तो ई का साउंड यहाँ अ है, मदर। बड़ी ई मैंने लिखा है, मतलब खींच कर, ई का भी साउंड आता है, और स्पेशली उसमें हम डबल ई यूज़ करते हैं, सीम, बी, ठीक है, ई। तो तीन साउंड्स हो गए इसके। अब आते हैं एफ। एफ को फ प्रोनाउंस करते हैं, फ। बहुत सारे लोग गलती यहाँ करते हैं, वो इसे फ प्रोनाउंस करते हैं। इस डॉट पर ध्यान रखिएगा, बिना डॉट वाले को बोलते हैं फ और डॉट के साथ बोलते हैं फ, तो फैन नहीं होता, फैन होता है। अगर ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, इसलिए सिखा रही हूँ। फैन, फॉर्मूला, फिक्स, फ। इंग्लिश में फ नहीं बोला जाता, हर जगह आप पाएंगे फ का यूज़ होता है, ठीक है। और इसी फ के लिए पी एच भी साथ में यूज़ होता है, पी एच, ठीक, उसे भी हम फ यूज़ करते हैं, जैसे फार्मेसी। आगे आते हैं जी। जी के भी दो साउंड हैं, ग और ज। तो वैसे तो आप जानते हैं ग सिंपल है, जी यू एन, गन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जी ई ए आर, गेयर। अब आते हैं कि ज साउंड कब है, तो जो आपने सी में समझा ना कि जब हम उसके बाद किसका किसका यूज़ कर रहे थे, ई आई और वाई, अगर इनमें से कुछ आ जाए तो हम स प्रोनाउंस करते थे, वैसे ही जी में अगर जी के बाद ई आई या फिर वाई आ जाए तब हम इसे ज प्रोनाउंस करेंगे, जैसे जेम, जायंट, जिम, ज्योमेट्री, जर्म। तो ध्यान दें, ज्योमेट्री में जी ई, जी ई, ई है ना, यहाँ आई देखिए कहाँ यूज हुआ है, जायंट में, यहाँ भी ई यूज हुआ है, और वाई यहाँ जिम में, तो ये सारे ज बन गए। अब तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे ना, कभी भी अगर आप कोई वर्ड देखते हैं नया तो ध्यान क्या देंगे, जी के बाद ई आई या वाई तो नहीं आया, अगर ये आया है तो इसका साउंड ज होगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं एच। एच का साउंड होता है ह, जैसे हाउस, हाइट, ये सिंपल है। फिर आते हैं आई पे, ये भी एक वाउल है और इसके भी कई सारे साउंड्स आएंगे। तो सबसे पहला साउंड ई, जैसे मैंने कहा बिट, बी आई टी, वैसे हिट, एच आई टी, पी आई एन, पिन, ई का साउंड आ रहा है। दूसरा साउंड आई, जो हम इसे लिखते हैं मतलब बोलते हैं, आई, आई तब यूज़ करेंगे जब लास्ट में जैसे ई लगा हुआ है, नाइन, एन आई एन पढ़ना हो तो आप पढ़ेंगे निन, एन आई एन ई पढ़ना है तो नाइन। अगला साउंड है इसका अ, जी हाँ, आई का साउंड भी अ होता है, फर्स्ट, एफ आई आर एस टी, यहाँ अ का साउंड है, फर्स्ट, एफ आई आर एम, फर्म, ठीक है, अ का साउंड। अब एक साउंड और है आई, जैसे एच आई आर ई, हायर, तो यहाँ पे आई साउंड आया, हायर, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपको वर्ड्स मिलेंगे ना तो आप इसे बना लेंगे कई सारे। अब आते हैं जे। जे का हो गया ज साउंड, जग। अब देखिए के, के का साउंड है क, काइट, किटन। अब एक चीज़ है साइलेंट के, कई बार आप पाएंगे कि के साइलेंट होता है, और स्पेशली अगर के बाद एन आया है, और मतलब कि वर्ड के शुरुआत में अगर के बाद एन है तो आप के को नहीं बोलेंगे, ये साइलेंट होगा, नाइफ, नो, नाइट, के का कोई साउंड नहीं आया। आगे है एल। एल का साउंड है ल, जैसे लीव, लव, लिप, लिपस्टिक, कुछ भी, बहुत सारे इसके आप वर्ड्स देख सकते हैं, इसका साउंड एक ही है, ल। अब है एम। इसका साउंड है म। अगर साउंड की प्रॉपर बात करूँ तो इसका साउंड है म, लेकिन अगर लिख रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कैसे पढ़ना है, तो म आएगा, जैसे मैन, म ए न, मैन। इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है जब वो छोटे होते हैं, तो बचपन में ही उनके वोकैब्स, मतलब वो सही तरीके से प्रोनाउंस कर सके वर्ड्स को, इसलिए म ए न, मैन, ठीक है। तो म साउंड याद रखिए। माइन, एम आई एन ई, माइन। फिर एन, एन का साउंड न, एन आई एन ई, नाइन। फिर
फिर आगे बढ़ेंगे ओ, ओ भी एक वाउल है, इसके भी मल्टीपल साउंड्स हैं। सबसे पहला ओ साउंड ही है ओ, एम ओ डी ई, मोड। इसे हमने खींच के बोला मोड, क्योंकि यहाँ ई लगा हुआ है। अगर ये सिर्फ एम ओ डी होता तो मैं बोलती मॉड, तब ये मोड न कहलाता, मॉड। ओ का साउंड आता जो यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। अ साउंड भी होता है, जैसे एस ओ एन, सन। इसे सॉन नहीं पढ़ेंगे, सन। ओ टी एच ई आर, सो ओ अ दर, अदर। ओ टी एच ई आर, अदर। तो अ साउंड भी है इसका। अ हो गया कॉट, पॉट, ठीक है। ऊ, ऊ साउंड भी आता है, वुल्फ, मतलब खींच कर ऊ, वुल्फ, डब्ल्यू ओ एल एफ, वुल्फ। और एक और साउंड है व, जो कि बिल्कुल स्ट्रेंज लग रहा होगा आपको। ओ का साउंड व भी होता है। अच्छा, तो व कहाँ होता है? देखिए, आप बोलते हैं ना वन, ओ एन ई, वन। यहाँ पे ओ एन सी ई, वंस, तो व का साउंड आता है यहाँ पे। क्लियर। अब नेक्स्ट है पी, पी का साउंड है प, पैट, पिन। अगला है क्यू, क्यू के साउंड पे भी ध्यान देने की बात है। ये ख, मतलब कि प्रॉपर क साउंड नहीं आता, आप देख सकते हैं क, या फिर क्व का साउंड आता है। क्व क्यों आता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखिए यूनिक, तो यूनिक, यूनिक, इस तरीके का साउंड आएगा। और इसे बोलेंगे क्वीन, क्व, ठीक है, क्व, आधा क व। क्यू इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ यू। यहाँ भी आप पाएंगे कि क्यू के बाद यू लगा है, यहाँ भी आप देखेंगे क्यू के बाद यू लगा है। क्विज, क्यू यू आई जेड, क्विज, वहाँ भी यू लगा है। सो एक फैक्ट है, क्यू इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ यू, तो इसलिए ऐसे में क्व साउंड आता है। यहाँ पे क्व नहीं, यहाँ पे ख है, यूनिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आर, आर का साउंड है र, रेयर, दोनों ही र का साउंड दे रहे हैं, ठीक है। अगला है एस, एस के साउंड की अगर बात करें तो एस से जब भी किसी वर्ड की स्टार्टिंग होती है, तब जब एस के बाद कॉन्सोनेंट आ जाता है, कोई व्यंजन, अगर इसके साथ कोई स्वर आएगा तो इसका कोई साउंड बनेगा। लेकिन जब इसके बाद डायरेक्ट कॉन्सोनेंट आया, जैसे देखिए सी, यहाँ एम आ गया, यहाँ पी, तो ये आधे अक्षर की तरह काम करता है। आधा अक्षर तो आप जानते हैं हिंदी में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लगा हुआ है हलंत, तो स, इसको ऐसे बोलेंगे। स का जो साउंड है वो कहलाता है स, तो इसे आप स्कूल नहीं पढ़ेंगे, बहुत लोग इसे स्कूल पढ़ते हैं, लेकिन ई नहीं है यहाँ पे, स है। क्या बोलेंगे? स्कूल, स्कूल, स्कूल। उसी तरीके से यहाँ स्माइल, 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 स्माइल नहीं, स्माइल, ऐसे बोलेंगे, फिर आगे की बात कर देंगे। जैसे स्पीक, 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 सो स्पीक, स्पीक, ऐसे करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। और इसे की एक प्रॉपर साउंड है स, जैसे एस आई टी, सिट। अब इसके बाद क्योंकि वाउल आ गया तो एक प्रॉपर तरीके से एक लेटर तैयार हुआ, सिट, एक साउंड बना। और एक कभी कभी इसका साउंड श भी आता है, श, जो एस एच का होता है, ठीक है। अगर हम एस के साथ एच को लगाएं तब इसकी जो साउंड है वो श होती है। यहाँ पर एच नहीं है, फिर भी इसे हम श प्रोनाउंस करते हैं, एक्सेप्शन समझ लीजिए, शुगर, शुगर केन, ठीक है। उसके अलावा श के लिए एस एच, ये क्लियर हुआ आपके लिए। आगे बढ़ते हैं टी, टी का साउंड होता है ट, टी आई जी एच टी, टा ई ट, टाइट, तो इसका साउंड है ट। लेकिन जब हम इंडियन नेम्स लिखते हैं तो नाम में हम त के लिए भी टी का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको मैंने बताया है कि अगर आपको टी एच लिख देते हैं तो उसका साउंड हो जाता है द। अब आते हैं यू, यू भी एक वाउल है, ठीक है, लास्ट वाउल। इसके भी मल्टीपल साउंड्स हैं। सबसे पहले उ, शॉर्ट उ का साउंड, पी यू एल एल, पुल, पी यू टी, पुट, तो ये शॉर्ट साउंड है उ का। अभी इसका एक साउंड होता है, जैसे एस एच यू टी, शट, सी यू टी, कट, बी यू टी, बट, यू एन सी एल ई, अंकल, सो अ का साउंड आ रहा है। आ का भी साउंड आता है, स्पेशली अगर उसके बाद वाई हो, बाय, बी यू आई, बाय। ऊ का साउंड आता है खींच कर, लॉन्ग ऊ, ऊ, जैसे जे यू एन ई, जून, ठीक है।
एक और साउंड है जैसा हम इसे बोलते हैं, यू बोलते हैं तो इसका यू का साउंड आता है, जैसे सी यू टी ई क्यूट, आधा क, सी के बाद आधा क और यूट क्यूट। एम के लिए म्यूट, ठीक है म्यूट। ये देखिए यूनिट, यूनिट। तो प्रॉपर यू का साउंड आ रहा है। अब आपने सारे वाउल्स को अच्छे से समझ लिया। वी बजता है, वी का होता है व साउंड, वैन आप जानते हैं। फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू का जो साउंड है वो प्रॉपर व भी नहीं है, उसको थोड़ा सा अ करके बोलते हैं व, ठीक है व। सो वॉच, डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच। आगे देखिए एक्स, एक्स का साउंड क्स, क्स ऐसे बोलेंगे, आधा क स, बॉक्स बॉक्स, ठीक। ऑक्स मैक्स, सो क्स ये साउंड आएगा। उसके अलावा इसका ज साउंड भी होता है, बहुत ही कम वर्ड्स हैं ऐसे, जैसे एक्स वाई एल ओ पी एच ओ एन ई ज़ाइलोफोन, ठीक है ज़ाइल ज़ाई आ रहा है, तो ज साउंड हो गया इसका। अब बचता है लास्ट लेटर इसके बाद, ये है वाई। वाई का साउंड भी आप देखेंगे, इसके भी मल्टीपल साउंड्स हैं, जैसे वाउल्स होते हैं ना वैसे वाई के भी मल्टीपल साउंड्स हैं। सबसे पहला तो य है, यक ईयर, ध्यान रखिएगा इसको हम ईयर पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इसे ईयर बोल देते हैं, ठीक है बट ये ईयर बोला जाता है ईयर, और ईयर बोलते हैं जिसमें वाई नहीं होता, सिर्फ ई ए आर होता है कान के लिए, ये ईयर है। यक और ईयर, य का साउंड दे रहे हैं, ई का भी साउंड देता है जिम, जी वाई एम जिम। अब देखिए ई खींच कर एक लॉन्ग साउंड देगा, ई सॉरी सॉरी सॉरी, ई खींच कर आया। अब एक और साउंड है आई का, जैसे टी आर वाई, टी आर ट्र वाई ट्राई, ठीक है ट्राई। एम वाई, एम का म, वाई का आई माई, सो ट्राई माई। अब आप देखेंगे इसके भी मल्टीपल हो गए, इन सबको याद में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा ताकि आप बना पाए। मैंने आपको बताया कि इसे हम जी भी बोलते हैं और जेड भी बोलते हैं, इसका साउंड है ज, ठीक है जीब्रा, जेड ई बी आर ए जीब्रा, क्विज ज, तो ये ज है, इसे ज नहीं पढ़ते, आप जेब्रा नहीं बोलते, जीब्रा क्विज, क्विज नहीं क्विज, क्लियर। अब आपने सीख लिए सभी लेटर्स के साउंड्स, एंड आई एम श्योर कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो तो स्पेशली आप सी का साउंड, जी का साउंड, ए ई आई ओ यू और वाई का साउंड ज़रूर से देख लेना, उसके अलावा सब नॉर्मल हैं, ठीक है। अब आते हैं, लेट्स रीड सम सेट्स ऑफ लेटर्स। मैंने आपसे कहा था कि लेटर्स के सेट्स दूंगी मैं आपको, ताकि उसी तरीके के वर्ड्स को आप आराम से पढ़ सके। तो एल ई डी जी ई, अगर इसे आप मतलब अपने तरीके से बनाएंगे तो आप बोलेंगे लेद गे, लेकिन इसे पढ़ते हैं लेज लेज, ठीक है ज, इसका ज लेज, ये जहाँ भी आएगा वर्ड में इसे लेज ही बोलेंगे। के नो डब्ल्यू एल ई डी जी ई नॉलेज, यहाँ एक्नॉलेज प्लेज, दूसरा अनफ्लेज्ड, ठीक है तो एल ई डी जी ई, यहाँ भी लेज आया और ये डी लग गया इसलिए ड भी आ गया अनफ्लेज्ड। तो जहाँ कहीं भी एल ई डी जी ई दिख जाए वहाँ पे आप इसे लेज प्रोनाउंस करिएगा, लेज का साउंड आएगा। अब देखिए ए आर ई, आप जानते हैं इसे हम बोलते हैं आर, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर लर्निंग इंग्लिश, तो वहाँ पे हम ए आर ई को आर बोलते हैं, लेकिन जब ये दूसरे लेटर्स के साथ जुड़ता है तो उसका साउंड एयर होता है, ठीक है जैसे ये वर्ड्स हैं, यहाँ पे इसे आर नहीं बोलेंगे, ठीक है ये नहीं बोलेंगे, यहाँ इस साउंड से मतलब है। सी ए आर ई केयर, सी का साउंड मैंने बताया था क भी होता है। एफ ए आर ई फेयर, एम ए आर ई मेयर, डी ए आर ई डेयर, आर ए आर ई रेयर, एस सी ए आर ई स्केयर, स्केयर स्केयर स याद आया साउंड, एस पी ए आर ई स्पेयर नहीं स्पेयर स्पेयर, एस क्यू यू ए आर ई स्क्वेयर स्क्वेयर, क्लियर। अब देखिए शेयर, एस एच ए आर ई शेयर, बेयर बिवेयर, कंपेयर डिक्लेयर,
हार्डवेयर, नाइटमेयर, प्रिपेयर, ठीक है, हर जगह एयर का साउंड आया, ए आर ई लास्ट में लगा हुआ है वर्ड्स में, ठीक है। अब देखिए ओ यू जी एच टी, अगर ये सेट आपके सामने आए तो इसे ऑट बोलते हैं, ओ यू जी एच टी, ऑट। अब ये जब दूसरे कॉन्सनेंट्स के साथ आएगा तो वैसे ही साउंड निकलेगा। टी एच से क्या होता है, मैंने बताया था द होता है, टी एच से थ भी होता है, ठीक है। टी एच ओ यू जी एच टी, थॉट, थॉट। एफ ओ यू जी एच टी, फॉट, फ। बी आर लग गया तो ब्रॉट, बी आर से ब्र, ब्रॉट। एस से स एंड ऑट, सॉट। बी से ब एंड ओ यू जी एस टी, ऑट, ब प्लस ऑट इज इक्वल टू बॉट। हुआ ना क्लियर? अब जब कहीं भी ओ यू जी एच टी आपको मिले तो ऑट का साउंड निकालना है आपको। अब आते हैं आई ई वी ई पर, इसे ईव बोलते हैं, ईव नहीं बोलेंगे, ईव, ठीक है। बिलीव, बी ई एल बी, बी ई से बी होता है एक्चुअली, जब वर्ड्स में आता है तो हम इसे बी बोलते हैं, बी लीव। ए सी एच आई ई वी ई, अचीव। आर ई टी आर आई ई वी ई, रिट्रीव। सो आर ई आता है तो री बोलते हैं इसको, रिट्रीव। आर ई एल आई ई वी ई, री लीव, रिलीव। जी आर आई ई वी ई डी, ग्रीव्ड, ठीक है, इसे ग्रीव, ड लग गया, ग्रीव्ड। क्लियर हुआ आपके लिए? अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैं बता रही हूँ ऐसे बहुत सारे और होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। एम बी अगर साथ में आता है, मतलब पहले एम आए फिर बी आए, तो इसे हम म ही बोलते हैं। बी यहाँ पर साइलेंट होता है, ये चुप रहता है बिल्कुल, जैसे सी ओ एम बी, कोम, यहाँ पर बी नहीं बोलते। टी एच यू एम बी, अंगूठा के लिए, इसे थंब नहीं बोलते, थंब, ठीक है, थंब, लिखना हो तो हम बोलेंगे थंब, ब नहीं आएगा। इसी तरीके से ये क्या है, प्लमर, प्लम्बर नहीं, प्लमर, प्ल म र, प्लमर, ठीक है, प्लमर। इसी तरीके से ये क्लाइम, सी एल आई एम बी, क्लाइम मीन्स चढ़ना, बी नहीं बोलेंगे, क्लाइम्ब नहीं बोलना, क्लाइम। क्लियर हुआ आपके लिए? तो जब भी एम आए उसके बाद बी आ जाए तो बी का साउंड नहीं निकालना, सिर्फ म पे चुप हो जाना है, ठीक है। अब देखिए अगर आई आए फिर कोई कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, जैसे बी हो गया, डी हो गया, ये सब, उसके बाद ई आए तो इसका साउंड आई होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, तब आप इसे ई नहीं पढ़ेंगे। बी आई टी, बिट नहीं, बाइट। सी आई टी, साइट। एन आई एन ई, नाइन, सो आई, आई का साउंड। डब्ल्यू आई एन ई, वाइन, शाइन। इन वाइट, पोलाइट। डिफाइन, एफ आई एन ई, फाइन, डिफाइन, ठीक है। राइट, डब्ल्यू आर आई टी, राइट, इसे रिटे नहीं बोलेंगे। वाइट, डब्ल्यू एच आई टी, वाइट। लाइन, टाइम, साइट। ये जो लास्ट में ई हैं ये सब साइलेंट हैं, इनको हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। अब एक्सेप्शन भी देख लीजिए, ठीक है, हर जगह पर हम इसे आइन या आई करके ही बोलें ऐसा ज़रूरी नहीं। जैसे ये डिसिप्लाइन नहीं है, डिसिप्लिन, क्या है, डिसिप्लिन। यहाँ इंजन, ठीक है, यहाँ हमने इंजिनी नहीं बोला, इंजन। इलीट, इसे बोलते हैं इलीट। ये है कुजीन, इसे कुजाइन नहीं बोलेंगे, कुजीन। सो गाइज यहाँ कंप्लीट होता है आज का लेसन वन, लेकिन एक बात आपको मैं याद करा दूँ कि अब आपने लेटर्स की जानकारी ले ली और लेटर्स से आपने वर्ड्स भी पढ़ना और बोलना शुरू कर दिया है। अब हम सेंटेंसेस को भी सीखेंगे और साथ साथ में वर्ड्स तो बीच में आते ही रहेंगे क्योंकि उन्हीं के साथ तो आपको सेंटेंसेस को सीखना है। तो बस पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, सभी लेटर्स के सही प्रोनंसिएशन को सीख लिया, सही साउंड को सीख लिया। तो गाइज ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है, इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे डे टू में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, यस कीप प्रैक्टिसिंग गाइज एंड कीप स्माइलिंग एज वेल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।